अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको एक नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये शर्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने ये फ्यूज़ बुकर्म लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह यहाँ से 5 इंच ली है और इसकी लेंथ मैंने तकरीबन 17 इंचज तक ली है। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 4 इंच तक लूँगी और यहाँ से मैं इसकी जो विड्थ है वो 8 इंच पर लूंगी। और यहाँ से तकरीबन 9 इंच मैं इसको अंदर की तरफ लूंगी। इस तरह मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी और इस लाइन को मैं इस लाइन से मिला लूंगी। यहाँ से ये कोना इंच के फासले पर ही मैं निशान लगा लूंगी। इतना चौड़ा ही मुझे चाहिए यहाँ से। और इसको भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी बिल्कुल सीधी। मैं 1-1 इंच बढ़ाकर इसके साइड पर ले लूंगी इधर से। इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। देखिए मेरे पास नेक तैयार हो गया है। अब मैं इसे कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने नेक को कपड़े के ऊपर पेस्ट करके इसको साइडों से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको शर्ट की सीधी साइड पे इस तरह अटैच कर दूँगी जैसे नॉर्मल अटैच करते हैं और इसे पीछे की तरफ पलट लूँगी। ये नेक मैंने इस तरह तैयार कर लिया है और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। चाहे तो पहले से सिलाई कर लें वरना हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है और तिरपाई कर लें पहले से। तो इसका ये वाला जो बीच का सेंटर का गैप है वो हमने 1/2 इंच रखा था। 1/2 इंच को 2 दफ़ा करें तो 1.5 इंच होता है, तो ये 1.5 इंच का गैप ही होना चाहिए। इस तरह यहाँ से 1.5 इंच का गैप होगा तो हमें अब 1/2 इंच जितनी इसके अंदर फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल के लिए मैंने कपड़ा लिया है, सेम इसी फैब्रिक का मैंने ये कपड़ा लिया है और ये डबल कर लिया इसको 3 इंच तकरीबन। ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा है और इसे मैंने इस तरह डबल करके अब मैं यहाँ पे इसकी फ्रिल बनाऊंगी इस तरीके से। तो फ्रिल जो है वो हमें 1/2 इंच एक तरफ की चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको 1/2 इंच रखूंगी और फिर बाद में एक्स्ट्रा मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। फ्रिल ये देखिए मेरी इस तरह तैयार हो गई है और मुझे ये इसी तरह अटैच करनी है नेक के नीचे की साइड पर ऐसे इस शेप में जिस शेप में मेरा नेक है। और मुझे ये 1/2 इंच तक ही बाहर चाहिए, इससे ज़्यादा मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी। तकरीबन जो मेरा 1/2 इंच है वो यहाँ तक बनता है। तो यहाँ तक मैं सिलाई करती जाऊँगी। आप चाहें तो बेशक निशान लगा लें पहले से या चाहे तो साथ साथ इंची टेप के साथ साथ साइज़ करते जाएँ और साथ साथ इसे स्टिच करते जाएँ। यहाँ 1/2 इंच तक इसे मैं यहाँ से स्टिच कर दूँगी। 1/2 इंच ये बाहर की तरफ ही रहेगी और ये मैं इसे नेक पर इस तरह स्टिच करूँगी। यहाँ पर ये मेरा नेक तैयार हो गया है, फ्रिल लग गई है ये देखें। अब मैंने इसके नीचे एक ये पट्टी तैयार की है इसके नीचे रखने के लिए। इस तरह नीचे से रख के मैं ऐसे इसको बंद कर दूंगी।
तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर निशान, मैंने जितना मुझे यहाँ से ओपन रखना है वहाँ पर, ये देखिए मैंने निशान लगा लिया दोनों साइड्स पर, इतना मुझे बंद रखना है। तो अब मैं पहले से लगा लूँ और बाद में मैं लेस अटैच करनी है मुझे इसके ऊपर, ये वाली लेस अटैच करनी है, तो पहले मैं इसे बंद कर लूँ और बाद में लेस अटैच करूँ। लेकिन यहाँ पर मैं इसे इन दोनों को इकट्ठा ही करने लगी हूँ। तो यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करूँगी, यहाँ मैं लेस रखूँगी, मुझे इस तरह ये लेस पूरी अटैच करनी है यहाँ। तो जब मैं यहाँ तक पहुँचूँगी तो मैं साथ नीचे कपड़ा भी इसके रख लूँगी। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मेरा ये नेक कंप्लीट हो चुका है, मैंने बैक नेक भी इसके साथ अटैच कर लिया था। और ये देखिए ये फ्रिल लग चुकी है, यहाँ से बीच में से ही ओपन है। आप चाहें तो इसके बीच में यहाँ पे टसल या बटन भी अटैच कर सकते हैं, चाहे तो इसे ऐसा रहने दें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।